दोस्तों कैसे हैं आप सब। आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज की वीडियो में हम बताएंगे कि जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाएंगे सरपंच से, जो कि इंडियन आर्मी में आपको वहां पे मांगा जा रहा है। तो चलिए इसके बारे में हम आपको बताएंगे किस तरह फॉर्म को फिलअप करना है। यहां पे बताया जा रहा प्रमाणित किया जाता कि श्री, मतलब जो लड़का है तो लड़का में श्री लगेगा, श्रीमती तो इसको काटना पड़ेगा, कुमारी नहीं लड़की नहीं है, इसीलिए आपको यहाँ पर नाम भर लेना है। नाम भरने के बाद यहाँ पे आत्मश्री, तो यहाँ पे आपको आपका फादर का नाम हो जाएगा, पिताजी का। यहाँ पे जाति, जो जाति है जैसे कोई लिखता है यादव, जो भी जाति आप में है उससे आप भर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं अपना जाति। उसके बाद साकिन, साकिन मतलब आपका जिला का नाम हो जाएगा, जिसको आप सब ब्लॉक के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे आप अपना जिला का नाम भर सकते हैं। उसके बाद तहसील, तहसील में भी आपको हो जाएगा जिला का नाम। विकास खंड का मतलब ये होता है कि आपका जिला का जो नाम है अपना जिला का नाम इसमें भर सकते हैं। उसके बाद इसे यहाँ पे जिला लिखा हुआ है, जिला इसमें भरिए। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है उम्र भरने के लिए, आप कितने दिनों से आप, आपको सरपंच से यहाँ पे देख सकते हैं, सरपंच सरपंच आपको जानते हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। आपका उम्र हो जाएगा, आपका कितना उम्र हो रहा है, जैसे मेरा 22 साल हो रहा है तो यहाँ पे 22 साल लिखा जाएगा, क्योंकि जो सरपंच है आपकी आपको 22 सालों से जानता है, पहचानता है। इसके लिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जन्मतिथि, जन्मतिथि यहाँ पे आपको भरना है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है इनका जन्म ग्राम, आपका ग्राम जो है ग्राम भर सकते हैं। यहाँ पे दिनांक, स्थान, स्थान आपके कहाँ के रहने वाले हैं, जो गांव का नाम भी दे सकते हैं, इसमें जिला का भी नाम दे सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सरपंच का सिग्नेचर हो जाएगा, मोहर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको फोटो चिपकाना पड़ेगा, यहाँ पे फोटो चिपका के फोटो के ऊपर आपको सिग्नेचर करवाना है, उस पर मोहर मरवाना है। तो आज की वीडियो यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा।